Hello student, good evening, welcome back. So our question is, the ratio of alcohol and water in a solution A is 3:5 and it is 7:3 in solution B. 6 liters of A and 5 liters of B are mixed in a vessel and 1 liter is also added to this mixture. What is the ratio of alcohol and water in the resulting mixture? ठीक है, यहाँ जैसे बोला गया हम लोग का दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक हम लोग का मिक्सचर बी है. ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो ए में रेशियो क्या दिया हुआ है, ए में दिया है अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 3:5, पहले अल्कोहल है फिर वाटर है, और बी में भी उसी तरह से दिया है 7:3. आगे क्या बोलता है कि आगे बोलता है ए से कितना ले लेना है, ए से ले लेना है 6 liters. यहाँ बोला गया 6 liters ऑफ ए. अब 6 liters ऑफ ए कैसे निकाला जाए, यहाँ तो 3 और 5 तो 8 है, तो 8 को 6 बना देते हम लोग क्यों ना, तो 6 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6/8 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, 6/8 मतलब क्या हो गया हम लोग का, इसी को बोले तो 3/4. ठीक है, क्या हो जाएगी, 3/4. और उसी तरह से यहाँ हम लोग का 7 और 3 क्या आ जा रहा है, मिलके 10 आ जा रहा है, लेकिन 10 नहीं, कितना लीटर लेना हम लोग को, 5, इसलिए 5 में चेंज करते हैं. 5 में चेंज करने के लिए इसको 5/10 मतलब 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है 3/4. ठीक है, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ए वाले को, तो ये 3:5 है, इसको करेंगे तो 3 3 जै 9, ए में क्या हो जाएगा 3 3 जै 9 और 3 5 जै 15 और नीचे क्या आ गया 4 9/4 2, और 3/4 से 5 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 5 जै 15 / 4. उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी वाले को करेंगे, तो बी वाले में देखते हैं क्या आता है, तो बी वाले में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो 7/2 आ जाएगा, और इसको 3 को 1/2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2. अब क्या करते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, तो ऐड करने पर 9/4 है और ये 7/2 है, तो इसको भी क्यों ना 4 कर दे नीचे, 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 2 जै 14, 14 और 9 क्या आ जा रहा है हम लोग का, 14 और 9 आ जा 23, तो ये आ जाएगा, हम लोग का दोनों को ऐड करेंगे तो 23/4 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, इसको भी 4 कर देते हैं, तो 3 2 जै 6, 6 और 15 क्या आ जाएगा 21/4. ठीक है, अभी रेशियो का कैंसिल नहीं करना है. ठीक है, अब ये आ गया हम लोग का क्या, ए और बी का 5 liter, 6 liter और 5 liter लेने पर इस तरह से आएगा. लेकिन साथ में यहाँ क्वेश्चन में देखें तो एक चीज़ और बोला गया है, अब बोलता है 1 liter water इज ऑल्सो एडेड टू दिस मिक्सचर. अब यहाँ सिंपल सा बात है, ये वाला क्या था, ये लाइन जो था हम लोग का, ये अल्कोहल था और ये था वाटर. अब इसमें वाटर 1 liter और बढ़ाया जा रहा है, ये पूरा रेशियो जो है पूरा परफेक्ट अभी हम लोग का लीटर्स में है, इतना लीटर इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर रहे हैं. ठीक है, पहले 1 जोड़ लेते हैं, तो ये 1 ऐड करेंगे तो क्या, ये क्या हो जाएगा, ये था 23/4, इसको रहने दिए, इसमें 1 ऐड करने पर क्या हो जाएगा 25/4. ठीक है, तो 4 4 क्या हो जा रहा है हम लोग का, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 23:25. ठीक है, तो 23:25 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, इसको काफ़ी फास्ट बनाया जा सकता है, अगर कैलकुलेशन फास्ट करें तो, हम समझा रहे हैं इसलिए तो काफ़ी टाइम लगा है हमको. तो आंसर देखते कौन सा है, 23:25 ऑप्शन नंबर ए, पहला आंसर हम लोग का हो जाएगा 23:25. तो आई होप क्लियर होगा, कहीं डाउट अभी भी किसी स्टेप में समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाए या फिर न्यू वे में समझा सकते हैं इसको. ठीक है, ओके, बाय, ऑल द बेस्ट.